संविधान के किसी भी प्रश्न में और किसी भी पन्ने में बुलडोजर का कोई भी प्रावधान नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कौन से सीआरपी कौन से सेक्शन के अंतर्गत आप लोगों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को सजा देने का हक और अधिकार जो है वो न्यायपालिका के पास है, कोर्ट के पास है, किसी सरकार के पास में कोई राइट नहीं है वो कि किसी के घर पे बुलडोजर चला दे। अगर कोई चीज अवैध है, अतिक्रमण है, तो कोर्ट बताएगा ना, और कोर्ट उसमें नोटिस सर्व करेगा, कोर्ट बुलडोजर चलवाएगा ना, सरकार थोड़ी चलवाएगी। पहले उत्तर प्रदेश में आपने बोल दिया बाबा का बुलडोजर, मध्य प्रदेश में आपने बोल दिया मामा का बुलडोजर। ये देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से देश नहीं चलता। ये देश आप समझ रहे हैं कि क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम करके, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं का वोट बटोरने के लिए देश के अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाया। जिस तरीके से आपने देखा भी मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलता है, एक बात आप मुझे बताइए, बुलडोजर आपने कहा कि अतिक्रमण जो है उन पर चल रहा है, तो एक बात मुझे बताइए कि संविधान के कौन से पन्ने पर यह बात मेंशन की गई है कि अगर कोई अतिक्रमण है तो आप घर को गिरा रहे हैं, तो घर के साथ साथ आप जो गाड़ियां हैं उनको भी आपने क्रश कर दिया, उनका मुआवजा कौन देगा, उनका कंपनसेशन कौन देगा, जरा मुझे आप ये बताइए ना, उनका तो आपको पैसा देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि बुलडोजर जो है वो इस देश के अंदर एक नया कानून बना दिया गया, जहां चाहे वहां चाहे लोगों के घरों पर बुलडोजर ये लोग चला रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम जो है अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर के कितने घरों पर बुलडोजर चला बताइए आप मुझे। अभी BHU के अंदर जिस बेटी के साथ में रेप हुआ, जो उन लड़कों को जिनमें से दो को जमानत मिली, उनके कितनों के घर पर बुलडोजर चला। अभी उत्तराखंड में कल ही एक बेटी के साथ में BJP के एक नेता ने बलात्कार किया, उसके घर पर बुलडोजर चला ही नहीं चला, आप मुझे बताइए ना। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही जो फैसला सुनाया है उसमें भारत के कई राज्यों में उसने बुलडोजर के ऊपर बैन लगा दिया, बुलडोजर पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो अगली जो सुनवाई है ना, अगली सुनवाई में हमें पूर्णतः उम्मीद है कि बुलडोजर पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगा। बुलडोजर से क्यों चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर बुलडोजर पर रोक लगा दिया। कांग्रेस भी चलाने लगे ना बुलडोजर। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी अगर लोगों के घर पर बुलडोजर चलाती है वो तो सरासर गलत है, असंवैधानिक कार्य है, और सुप्रीम कोर्ट को उस पर रोक लगानी चाहिए। आपको क्या राइट है? फिर आप कहते हैं अतिक्रमण, पूरा देश अतिक्रमण के नाम पर बसा हुआ है, पूरा देश। इस देश में 100-100 साल पुराने घर हैं, 50-50 साल पुराने घर हैं, 200-200 साल पुराने घर हैं, तो क्या सबके घरों को गिरा दोगे? अतिक्रमण ना हटाया जाए, ऐसे कब्जा कर दिया जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अतिक्रमण अगर सरकार हटाने का इतना शौक है तो जब पहले दिन ही कहीं पर झुग्गी बनती है तो सरकार क्यों नहीं हटाती? जब वहां पर पूरा एक महल बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद लोगों के घर पर बुलडोजर चलती है। और नेताओं के कितने हाउस इलीगल बने हुए हैं आपको पता है? नेताओं के कितने अतिक्रमण के तौर पर बने हुए, कितने नेताओं के घर पर बुलडोजर चल गया इस देश में? ये मध्य प्रदेश में चला, छतरपुर में नेताजी है, ये भी कांग्रेस का। तो ये मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि इस देश में अगर BJP जो है वो कांग्रेस वालों पे चलवा रही है तो आप वहीं पे वो समझ लो वो BJP वालों पे चलवा रहे हैं, लेकिन पिस तो आम जनता रही है ना इस कार्रवाई में, पिस तो आम जनता रही है। कानून ये तो पिछले 6 साल से बुलडोजर चल रहा है देश में, क्यों नहीं अब तक बैन लगा इस पर, क्यों नहीं रोक लगी? पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो याचिका जो दर्ज करी है ना, इसमें याचिका दर्ज करी है जमात उलमा हिंद ने, ठीक है, उन्होंने इस पे जो है याचिका दर्ज करी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल करे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल करते हुए कहा कि इसमें अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, बिना नोटिस सर्व करके लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः असंवैधानिक है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप अपराधी हैं, आपको दोषी हैं, तो आपको सजा देने का हक जो है वो न्यायपालिका के पास है, जुडिशरी के पास है, किसी नेता के पास में या नेता के बुलडोजर के पास में नहीं है। और बुलडोजर पर रोक लगने से जो कड़ा तमाचा पड़ा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह पे पड़ा है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगले जजमेंट में ये कह दे कि जितने लोगों के आपने घर गिराए हैं या तो आप उनको घर बनाकर वापस दो, नहीं तो आप उन्हें मुआवजा दो। लेकिन लखनऊ में जो अकबर नगर गिराया गया था वहां पर क्यों लिया संज्ञान कोर्ट ने? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि अभी ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर पे जो जजमेंट दिया है अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हो गया है। भारत के कुछ ही राज्यों में इसको बैन किया गया, पूर्णतः प्रतिबंध नहीं किया है। तो इसकी जो अगली सुनवाई है, क्या पता अगली सुनवाई में, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, क्या पता अगली सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आपने जितने भी घरों को ढाया है अतिक्रमण के नाम पर, या तो आप उनको घर अलॉट कराएं या फिर आप उनके घर वापस बना कर दें। हाँ तो मैं आपको बताता रहा, मोदी जी ने सारे वादे पूरे करे ना, कौन सा वादा अधूरा छोड़ा? अभी आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बुलेट ट्रेन से आए हैं, 15-15 लाख रुपए के आप मालिक बन गए, 2 करोड़ रोजगार आई गया है, 15 लाख सबके खाते में आई गए, 100 स्मार्ट सिटी देश में बनी गई, और क्या चाहिए? सब कुछ तो बनी गया इस देश के अंदर। बुलडोजर देश में चल रहा है, गैर कानूनी है, तो फिर विपक्ष क्यों खामोश है, विपक्ष क्यों नहीं बोलता है? देखिए मैं आपको बताता रहा हूँ, विपक्ष अगर कोई भी इसमें बोले तो उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। CBI, ED, इनकम टैक्स, IB, सब जितनी भी ये संस्था है उनका दुरुपयोग करा जा रहा है इस देश के अंदर, और उसके जरिए लोगों को उठा उठा के जेल के अंदर बंद किया जा रहा है।
अरे हिंदुत्व मजबूत हो रहा है बुलडोजर से, वोट मिल रहे हैं बीजेपी को, सरकार बना रहे हैं बुलडोजर। मेरी बात सुनिए, आपका घर चल रहा होगा मोदी के सहयोग से, मेरा घर नहीं चलता मोदी के सहयोग से। मुझे मत बताइए, तो ताली बजाने के लिए आप जैसे लोग रख रखे हैं ना, इस देश के अंदर जो पत्रकार हैं वो ताली बजाने के लिए ही हैं। मदारी का खेल की तरह आप लोगों को करवाते हैं और ताली बजाने के लिए आप लोग। एक बात आप मुझे बताइए, कितना शो इस देश की महिला एंकरों ने किया, बीएचयू की बेटी के साथ रेप हुआ, उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, कितने आपने शो करे बताइए, कितनी महिला गोदी मीडिया के कितने रिपोर्टर ने कहा। एक जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था ना, तो एक पोएम पढ़ी थी मैंने कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये पोएम जो है ना, ये लागू होती है आज देश की बेटियों के ऊपर कि हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी, क्योंकि बेटियों की इज्जत लूटने वाले दरिंदे जो है ना, वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। और ये दरिंदे कोई और नहीं, भाजपा के भेष में हैं। अभी उत्तराखंड में हाल ही में भाजपा के नेता ने एक बेटी के साथ में रेप किया, ठीक है, उससे पहले कुलदीप सिंह सेंगर को देख लो, फिर त्रिपुरा की विधानसभा में बैठकर पोर्न वीडियो देखने वाला बीजेपी के नेता को देख लो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के साथ में ये नहीं बोल पाते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप सोच लीजिए कि जिस देश के प्रधानमंत्री की ये सोचो, उसके साथ के सहयोगी की क्या सोचोगी। कितनी बार जबान फिसलती है नरेंद्र मोदी की, जरा आप मुझे बताइए। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नरेंद्र मोदी इंटरव्यू नहीं दे सकते, मैं दावे से आपसे कहता हूँ। लेकिन बिल्किस बानो के जो अपराधी थे, जो रेपिस्ट थे, उनको तो माला फूल माला पहनाया गया, तो यही तो इनके साथ किया। दुर्भाग्य तो इस बात का यही है कि जब वो अपराधी छूट कर आते हैं तो उनके लिए केक कटवाए जाते हैं, उनको कहीं फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। ऐसे अपराधियों को तो सरेआम सजा दी जानी चाहिए, उनको सड़क पर खड़ा करके बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए, जो देश की बेटियों के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध करते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए, इन्होंने भी किसी की माँ की कोख से जन्म लिया है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर कई लाख केसेस आप ये समझ लीजिए पेंडिंग है, हमारे यहाँ पर जजेस की इतनी कमी है, जजेस नहीं है हमारे देश के अंदर। दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका को अपना कार्य नहीं करने दिया जाता, अगर न्यायपालिका अपने कार्य करे तो उसको कार्य नहीं करने दिया जाता। सबसे बड़ी बात तो यह है, इस देश के अंदर आधे से ज्यादा जो नेता और मंत्री हैं, जो लिटरल एंट्री कराकर देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, देश का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहें। अभी राम मंदिर का जजमेंट किस तरीके से आया पूरे देश को सबको पता है कि उसका जजमेंट देने वालों को राज्यसभा दे दी जाती है, तो ये क्या है, कॉलोनीज्म। मैं आपसे कह रहा हूँ, कॉलोनीज्म प्रणाली क्या है, क्या है कॉलोनीज्म प्रणाली, आप पढ़कर देखिए ना कॉलोनीज्म प्रणाली के बारे में। कॉलोनीज्म के खिलाफ है भाई, पूरा देश खिलाफ है, पूरा देश उसके खिलाफ है। कौन नहीं है, जो संविधान को मानता है वो उसके खिलाफ है। तो कैसे चाहते हैं हम, कैसे जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। भाई जजों की नियुक्ति उनके आधार पर होनी चाहिए, उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, जैसे पहले हुआ करती थी। अब ये थोड़ी है कि आप किसी को भी लाके कहीं पे भी बिठा देंगे, जो आपके पक्ष में फैसला दे उसको आप बिठा देंगे लाकर, वो तो सरासर गलत है। जब से आप कॉलोनीज्म प्रणाली लेके आए तब से शुरू हुआ है। दूसरी बात यह है कि देश का संविधान सबको इक्वल राइट देता है, सबको आजादी देता है बोलने की, हर चीज की। जी परीक्षा देकर आना चाहिए, बिल्कुल परीक्षा के साथ ही आना चाहिए, जिसके पास काबिलियत होगी वो बनेगा जज, वरना नहीं बनेगा। क्यों कॉलोनीज्म प्रणाली को लेकर आना, जिसके पास में काबिलियत होगी, जिसके पास एफर्ट्स होंगे वो बनेगा जज, वरना क्यों बनेगा कोई जज। अभी आप ये मुझे बताइए, लिटरल एंट्री दे दी गई अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी को, क्या ये गलत नहीं है। देश की आम जनता के बच्चों को तो पेपर लीक हो जाता है, इनके बच्चे डायरेक्ट लिटरल एंट्री के तहत बन जाते हैं, वो बीसीसीआई में, बीसीसीआई से आईसीसी की ओर प्रमोट हो गया। अमित शाह का बेटा जय शाह ट्विटर पे, मैं आपको बता दूं, जिस दिन अमित शाह के बेटे जय शाह क्या क्या कहते हैं बीसीसीआई से आईसीसी में प्रमोशन हुआ, उस दिन ट्विटर पे दो चीज ट्रेंड कर रही थी, सबसे पहली चीज बंगाल, दूसरी चीज बीसीसीआई। बंगाल के जो बच्चे हैं उनके हाथ में पत्थर दिखाई दे रहा था, और दूसरी बात अमित शाह के बेटे जो जय शाह है उसको बीसीसीआई से आईसीसीआई में प्रमोट कर दिया निर्विरोध। तो आप सोच लीजिए आपके बच्चों का भविष्य किस और है, ये खुद सोच कर देखिए। बंगाल की बेटी के लिए बीजेपी वाले न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर किसी और दूसरी बेटी के साथ हो जाता है, यूपी में कोई घटना हो जाती है, वहां वो खड़े नहीं होते बिल्किस बानो के लिए। अभी आप देख लो ना, अभी आप देख लो, जो बीजेपी आईटी सेल के लोग थे जिन्होंने क्या कहते हैं आपके बीएचयू की छात्रा के साथ में, इंजीनियर छात्रा के साथ में रेप किया, और उसके बाद में इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रचार किया, इनकी जो तमाम योजनाएं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया, और बेटियों के साथ बलात्कार किया, 7-8 महीने में निकलकर बाहर आ गए। कौन बोल रहा है इनके लिए, कौन सा गोदी मीडिया का एंकर ने शो कर दिया, आप मुझे बताइए ना। ये जितने भी पत्रकार हैं ना गोदी मीडिया के सारे अपना जमीर बेचकर बैठे हैं, ना जाने अपने घर जाके बच्चों से नजरें कैसे मिलाते होंगे। योगी जी की जो इमेज है बुलडोजर बाबा, क्या उसमें कुछ कमी आएगी। कौन सी इमेज है बुलडोजर बाबा की, मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, बुलडोजर में भरोसा वही आदमी रखता है जो पढ़ा लिखा नहीं है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कलम पे भरोसा रखता है, संविधान पे भरोसा रखता है, एक अनपढ़ आदमी बुलडोजर पे भरोसा रखता है, पढ़ा लिखा आदमी कभी बुलडोजर पे भरोसा नहीं रखता। सरकारी संपत्ति निकाली जा रही सरकार के द्वारा, सर सरकारी संपत्ति बची कहाँ है, सरकारी संपत्ति और सरकारी पैसा लेकर तो नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे देश से फुर हो गए, है ही कहाँ देश में, ये तो बता दो आप मुझे। फिर क्यों नहीं मिला देते आप कुलदीप सिंह सेंगर को, क्यों नहीं कर देते कुलदीप सिंह सेंगर का एनकाउंटर, बेटी के साथ बलात्कार किया उसने। अजीत पवार
मुकुल रॉय, शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी हेमंत विश्वा शर्मा, कर दो। तो बुलडोजर संविधान के अनुसार नहीं चल रहा क्या? अरे बुलडोजर आप बता दो मुझे, मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप मुझे बता दो, या आपने ज्यादा बेहतर पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रश्न का प्रावधान है बताइए। अगर कोई बिल्डिंग अवैध बन रही है तो सरकार गिरा सकती है, ठीक है ना, एमसीडी उसको गिरा सकती है ना, पास ये कानून बिल्कुल गिरा सकती है, बिल्कुल गिरा सकती है। नहीं तो एक बात आप मुझे बताओ, देश के कितने घर जो है वो इलीगल बने हुए हैं? आज से ज्यादा घर देश में इलीगल है, गाँव में तो सारे मकान इलीगल है, गाँवों में तो सारे मकान इलीगल है, तो चढ़ा दो ना एक साथ सब पूरे देश पर ही बुलडोजर चला दो। लेकिन लोग कहते हैं कि ज्यादा निशाना जो है मुसलमानों पर रहा है बुलडोजर का। मैं आपको बताता हूँ, इस देश में कोई अतिक्रमण नहीं, आप एमसीडी को पैसा खिलाओ, आप पुलिस प्रशासन को पैसा खिलाओ, आप सरकार को पैसा खिलाओ, नेता को पैसा खिलाओ, एमएलए को खिलाओ, एमपी को खिलाओ, उसके बाद चार मंजिल की परमिशन है तो छह मंजिल भी बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। असल में क्या है, पैसा खिलाओगे तो सारा काम होगा, और इन्हें अगर चंदा नहीं दोगे, इनके पार्टी फंड में चंदा नहीं दोगे तो आप दो मंजिल भी नहीं बना सकते। तो क्या मॉब लिंचिंग जो की जा रही थी मुसलमानों की, वो अब जो बुलडोजर में कन्वर्ट हो गई आजकल? देखिए मैं आपको बता दूं, देश की सरकार को दो बड़े, सुप्रीम कोर्ट को दो बड़े नियमों पे जरूर कानून बनाना चाहिए। सबसे पहला बुलडोजर, जिस पे सरकार ने अब एक्शन शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा मॉब लिंचिंग, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो है सात आठ लड़के एक बुजुर्ग को मारते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ट्रेन के अंदर आपने देखा होगा, वही सेम घटना जो हरियाणा के अंदर घटित हो जाती है। तो मॉब लिंचिंग को लेकर तो सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए। सरकार क्यों कानून नहीं बनाती? सरकार कानून नहीं बनाती, सुप्रीम कोर्ट को उसमें एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरप्ट करना चाहिए इसमें, क्योंकि मॉब लिंचिंग के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है।